क्या करेंगे? हम कहते हैं कि देश आजाद है। बड़ी बिरहा आप लोग सुने ला बतौलिन की बिरहिया कोई बड़का नाम बड़का था आप लोग हुआ जेके बना देला आशीर्वाद दे देला। आजादी से अब तक लेकर के हम कहते हैं कि देश आजाद है। आजादी और से पूछल जाए जोने माई के गोद सुनी हो गई, जोने भाई के दहरी बाजू कट गई, जोने सुहागिन के सुहाग उजड़ गए, जोने बेटा के जोने बाप के बुढ़ोती के लाठी टूट गई, ओसे आजादी पूछल जा। दिन बाकी हो सकेला लेकिन कौनो महीना बाकी नहीं हो। जोने में आए दिन उग्रवादियों का समाचार डेली हमें और आपको मिलता है, पेपर पत्रिकाओं में देखने को सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आजाद कौन कराया हम नाम लेते हैं। देश आजाद नहीं था, आजादी से पहले जिन बहादुरों ने इतनी बड़ा कलेजा करके हिम्मत रख करके आवाज दिया कि आज नहीं कल मेरा भारत आजाद होगा, उन्हें विश्वास था जिसमें नाम आता है बाबू सुभाष चंद्र बोस का। बंगाल के रहने वाले थे, शुद्ध नाम था सुभाष चंद्र बसु। आज भी जाएंगे बंगाल में हर चौराहे पर नाम मिलेगा। ऐसे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाया। वर्तमान की बातें मैं कर रहा हूँ, ऐसा आज भी माई है, ऐसा आज भी बहन है जवन देवी दुर्गा के समान, भाई पिता के समान तमाम लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग मिलला 1-2% आज कलयुग के जमाने में। एक ऐसा गाथा हो कि भाई के साथ भाई के व्यवहार का होके के चाहिए। एगो औरत के साथ आदमी का चरित्र होके के चाहिए। एगो ननद के साथ भौजाई का, देवरानी के साथ जेठानी का मिलावा की आज में आज भी देवी दुर्गा है जिनमें तमाम रूप बताया जाता है हमारे माँ बहनों का। वही दुर्गा है, देवी है, चंडी है, समाज से बिगड़ जाती है, उन्हें दूसरी दृष्टि से लोग देखते हैं। ताई जा वही बहादुरन के ऊपर 4 लाइन लिखल गई। आओ मास्टर चर्चा रहा भैया कुछ दिन पहले।
अरे ऐसे कैसे हो जाई, ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत का सौदा, बिरहा में बढ़िया भाव हो कि अरे हाई पूरा हिंदुस्तान बात, अरे हाई पूरा हिंदुस्तान बात तिरंगा के छाया में। डटा है लाल तो किसान का ही बादल पर, डटा है लाल तो किसान का ही बादल पर, लगे हैं मंत्री और संतरी तो आदर पर। चंपारण बेतिया बिहार में है खास सही, चंपारण बेतिया बिहार में है खास सही, वही सेना में भर्ती महतो है प्रकाश सही। माता पिता मरे हैं छोटा एक भाई, माता पिता मरे हैं छोटा एक भाई, नाम विकास करता पिए की पढ़ाई है। हुई शादी प्रकाश दुल्हन घर में लाया है, हुई शादी प्रकाश दुल्हन घर में लाया है, बड़ी ही प्यार से वह दुल्हन को समझाया है। सेना में भर्ती जब विकास को कराए, सेना में भर्ती जब विकास को कराएंगे, तभी सुहाग रात मेरे संग बनाएंगे। कहानी के समझ ला आप लोग, बिहार प्रांत बेतिया गांव पर रहे वाला प्रकाश महतो और विकास महतो दूर भाई हुए, देखा जेकर नाथ दीना नाथ हुआ नाथ कैसे हुई। ए भैया बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो गई, धीरे धीरे पास पड़ोस हित मित मिल के खियावे पहनावे लगलन, लेकिन इतना बढ़िया संस्कार भइल कि जब धीरे 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 16-17-18 वर्ष की उम्र भइली हो, बड़का भाई प्रकाश जौन हो दौड़ धूप लगाओ तो फौज का तैयारी करत हो, फौज में भर्ती हुआ, दिल करू दुआरे दौड़े लगू। छोटका भाई धीरे धीरे बीए की डिग्री लेते हुए लोग परेशान करते कि भैया हो भाई का शादी कर लेता, माई का प्यार बाबू का प्यार नहीं पोला, लेकिन लोग बतावे लन कि बड़ा भाई पिता से भी बढ़ के होता है, पिता के न रहने पर माई से भी बढ़ के भौजाई का दर्जा होला,
तो अगर उस शादी कर देता अपने भैया का भौजाई आ जाती घर में तो हर माई वाला भी दर्जा पूरा हो जाये और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में भी मदद हो जाये। भैया के फोन कैलन, भैया कहना है वो संस्कारी शिक्षित परिवार की लड़की देख लो और शादी तय कर दो, मुझे बता देना मैं आ जाऊंगा। शादी तय कर दहलन, भाई आए लोगन, बारात सजा के लेके चलन है, शादी हो गई, लौट के दुल्हन लेके अलन घर में। जैसे सुहाग कक्ष में रात के वक्त पहुंचलन लोग, हित मित सभे अपन जगह धैले बा। सुहाग कक्ष में जैसे ही पहुंचलन है दूल्हा प्रकाश, दुल्हन आरती उतारत हो, आरती उतारत हो, अखिया से भर भर आँस चलत हो। पूछत हूँ प्रकाश के माया, लड़किया का नाम माया हो, पूछलन काहे तू रोत हो, बड़ी जिंदगी कई नमूना रात हो ले, तुहरे रोले के कारण हमरे समझ में ना आए। कलश के स्वामी लोग बतावेलन कि पिता से बढ़ के भाई होलन, तो भाई आप पिता से भी बढ़ के दर्जा देले हुआ अपने भाई के, तो हमारा गोद में कोनो संतान हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन एक बात है कि आपका जो बेटा हो उनके बेटा मान गल हुआ तो हमारो बेटा हो। बारे कलयुग भौजाई कल ही नहीं के दे के बिताई, अगर मालिक के मंजूर हुई तो हुई, लेकिन एक शर्त हमार हो कि सुहाग रात मनी कर जब तुहार भाई भर्ती हो जाए, इन्हों के अपने जैसे देश के रंग में रंग देवा, अहिया सुहाग रात मनी। आंख में आंसू हो फौजी के, लेकिन कलम बाह बारे माया, जैसन तुहार नाम हो वैसन तुहार हृदय भी प्रभु बना दे। बड़ा दुल्हा खुश में एक लाइन बड़ी रंगीन गीत लगी मास्टर साहब। देखा ही कलयुग के दुल्हन के बात गीत में अपने दुल्हा से कर बड़ा सावाजी देखो कि बाहर है माया कहलन है का माया से सुन पात खुशी में पागल खेल सिकारिया तोहर मांग हो जा तो सुन ला कहन भर्ती कराई बुचाहे भर्ती कराई बुचाहे जैसे हम विचार बुचे Thank you.
माया बड़ा हमारे मित्र मंडली में भी लोग शादी करके दुल्हन ले आयल, लेकिन हैसन केहू को दुल्हन नहीं मांग मंगले रहल कि अपने भाई के भर्ती करवा के तब सुहाग रात में नहीं आ। धीरे धीरे समय बीते लगल, छुट्टी खत्म बा। एक दिना रात के बतौलन दुल्हा के, माया तुहार और कोनो मांग हो? कल ड्यूटी पर जाए के कोनो और मांग होगा तो बताओ, गलत की नहीं कोनो हमार मांग ना बा। मांग हो तो सिर्फ वन लिवन, एक मांग हो, तुहार भाई हूं चाहे हमार बेटा हो, इनके भर्ती करा लिया, सब कुछ तुहार हो। ए भैया सुबह का वक्त भैल बा, भाई के बोलोलन, सब सामान अपन बेढोलन में रख देना बा झोला में, लेके चलत हो स्टेशन के ओर पहुंचावे। नतमस्तक हो के भाई चलल हो, कहल कि नहीं पार ब्रह्म के याद करा, नैया हमन के जिंदगी के बड़ी बोझल रहा, लेकिन पार करके खे के मालिक यहाँ तक लिए, तनको मत जम्बा हताश हुई हा, तोरे साथ में है भाई। सुबह का वक्त हुआ, ट्रेन पकड़ लिया, तो पहुंचा है जवान बॉर्डर पर, अरे पहुंचा है जवान बॉर्डर पर, मेजर से बात बताया है, दुल्हन तो देवी जैसी है, दिल का अरमान सुनाया है। दुल्हन बड़ा प्यार से समझली, भाई पहुंचावत हूँ, यूनिट में पहुंच गई लन, पहुंचा है सुबह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, तमाम लोग आ गए, अधिकारी अपने यूनिट के लोग, मेजर साहब बड़ा क्लोज हुए प्रकाश का, कारण का हो प्रकाश, शादी ढंग से बीतल, बहुत बढ़िया दुल्हन, बहुत बढ़िया, तबले भर देखिया से आंसू चले गए, कहना बहुत बढ़िया, तो रोवत कहे हुआ, कहा सरकार है वो हमारे दिल में बड़ी कसक हो, कहना का है, कहना दुनिया तो दुल्हन आवे सुहाग रात मनाओ, लेकिन हम नहीं मनाए, कहना तो तुम्हें जमाने के पागल हुआ, ऐसा काय भल, पैर को पकड़ लिया, गौर करी है, पैर पकड़ के झरझर झरझर आंसू चलत हो, कहन के साहेब दुल्हनिया मांग मंगले है वो हमारे भाई बा, हमारा जैसे अगर आपके सामने हो जाए तो आप ना ही पहचान पेबा कि मैं देश का सेवक हूँ या मेरा भाई है। डिग्री कल हाँ सर बीए किया है, फाइनल ईयर चल रहा है उसका, कल बुलवा लो भाई को, भर्ती करवा दूंगा, लेकिन दूसरा सवाल मेरा है, एगो हमारो सतबा मेजर साहब बताओ तुम प्रकाश से, यहाँ फिर एक लाइन गीत बदल गिल मास्टर, अगले सत्र में बड़ा हला रहा है गीत से, घर जान मारे ललका समझो ना, अरे जान मारे ललका लहंगवा समझ गए वालों, लेकिन बिरहा में ऐसे बढ़िया भाव हो, मेजर साहब बताओ तुम कि सुन लो प्रकाश, एक शर्त मेरी है का, कि बत्ती आपके सुनी, अरे बत्ती आपके सुनी, मेजर साहब कहे लगा, अरे बत्ती आपके सुन, मेजर साहब कहे लगा, भर्ती होई भाई तोहार, लेके प्रकाश बाबू लेके तिब्बती आपके सुन, मेजर साहब कहे लगला, भर्ती होई भाई तोहार, लेके गो कहलन की पूरा अरमान होई, पूरा अरमान होई, दिलवा के तोहरा, बिटिया के शादी होई भाई से तोहरा, आपके सुन कर दे प्रकाश,
तुम्हार दिल का अरमान पूरा हो, तुम्हारा भाई के भक्ति करवा दे, लेकिन दूसरी शर्त हमार हो। हमारे एगो लड़की बा जौने का नाम छाया हो, वही छायवा का शादी तोहरे हम विकास से करब, मंजूर हो तो बुलवा ला। पकड़ लिया पैर को, धन्य है साहब, धन्य है, बुलवा लीजिए। बुलवा ले हम भाई के, देखलन है बड़ा खूब ढंग का हट्टा कट्टा नौजवान, फिजिकल भी बढ़िया। साहब अपने ग्राही हैं, कमांडेंट साहब फोन कर दिए कि अपना ग्राही है, भेज रहा हूँ, ड्यू लेटर बना, रिलेशन सर्टिफिकेट बना, सेंटर की ओर पहुंच गया है। तब बतिया के सुन मेजर साहब का है, कारण सुन ला, हमारे बिटिया के शादी तोरे भाई सोई मंजूर हो, बुलवाला, बुलवा लिए, रिलेशन सर्टिफिकेट बना, भेज दिया गया सेंटर पर। बाहर प्रभु के कृपा, पंच के कृपा, पंच ही परमेश्वर होल, कृपा भइल, छोटा भाई भर्ती हो गया। आज ऐसे भर्ती भइल, समय कम बा, कह दिए साहब कि नहीं, जितने भी जवान हैं कल से ही ट्रेनिंग शुरू होगी। फोन लगा के भैया से कहलन कि भैया प्रणाम कहलन, कहलन भैया भर्ती हो गई। फोन ले ले, लेकिन अखिया से आंसू चलत हो खुशी का, कहा बाबा रे माता रानी सुन ले लू, हमार ट्रेनिंग करा भैया। तुरंत अपना दुल्हन के फोन लगा दिलन माया के, कहलन के माया भर्ती हो गल विकास, तोरो मांग पूरा हो गई, लेकिन हम लगत हो कि हम वही ना ही आव पाई। काहे बताओ तुम कि हम ना आई, हमरो ड्यूटी अब यहाँ से बदल गई, सीधे चल गई ड्यूटी मक्का मदीना। जाए के बाद कुछ दिन पहले आप लोग टीवी सीरियल पर भी देखले होगा, हज यात्री जितना गए रहे, ढेला कोई फेंक दिया, उसके चलते बहुत लोग घायल हुए, वही जवान की ड्यूटी लग गई। अर्जुन बा जवान तैयारी में हो तू, आ एक लाइन बतौले रहना कि वो बात हमारा सुनया, हम रही या ना रही। प्रकाश कारण की लास्ट लाइन यह है कि हम रही या ना रही, लेकिन हमारे विकास का शादी मेजर साहब का लड़की हो, जोने का नाम छाया हो, वही छाया से होवे के चाहिए। कलश के ऐसे कहे कहत हुआ, एक लाइन यहाँ फीन गीत लगल मास्टर। ये जमाने कभी तो कोनो लड़की के सुंदरता देखे, कोनो लड़का बोल बोलो तो व्यंग बोलो तो का ऐसे ना छलकावा कहिया लग खोवा खाली, ऐसे ना छलकावा कहिया लग खोवा खाली, अरे हे प्रभुनी एक लाइन और बताओ था कि पेनहलू काला धागा, पेनहलू काला धागा, नरहर कलाई में कपड़ा सफेद होता तो सुबह सिलाई ले, करेंगे बतावत हूं बिरहा में भाव लगल का थुन के माया सुन लागो काम हो कावत होलन कि तोह के पाके खुल गइल बा मोर किस्मत के ताला, हमारा होई नहीं बहाला।
और जुदाई सहात नहीं हो बताओ तुम फोने पर की सुन ला लागल बा ड्यूटी हमार लागल बा ड्यूटी हमार मक्का मदीना में लागल बा ड्यूटी हमार मक्का मदीना में बीती है सुहाग रात सावन के महीना में इतना जवान कह के जवान का फोन बंद हो गए। टोली के लोग तैयार हो तो वन चले लगल फौजी गाड़ी में बैठ के हवाई अड्डा के ओर मूव हो गई टोली उदास हुआ के प्रकाश बाकी जवान पूछत हूं के भैया इतना उदास तो कबो नहीं दिखेला एगो तुहार बाह भी तैयार हो गई भाई भी तुहार सहयोग देवलाख हो गई लन काहे उदास हुआ कल यह भैया नहीं जान पाओ थे माता जी पिताजी धरती से चल गई लन माई बाबू के मरला पर जरूर बहुत कष्ट होला लेकिन हमके ऐसा भी लगत हो कि इतना कष्ट हमके वो समय नहीं भेलल आज जोन दुख हो काहे दुख हो ये है नहीं जान पाती गीत एक लाइन यहाँ बदल गई मास्टर कैसे हो बताओ तुम कि माया से से नूरा के हटल अरे माया से छाया से नूरा वो माया से छाया से नूरा के हटल कि माया के छाया में अब ना रही है छाया 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 चल दिए जवान हवाई अड्डे के ओर गाड़ी रुकल हो फौजी बारी बारी से जहाज में प्रवेश करे लगल साथे का जवान पूछतुन भैया काहे उदास हुआ कल नहीं है नहीं हम जान पाउथिन बताओ थोए के लाइन का बतुलन ई है बताओ थो कि अरे चली भाई लसीमा पर जवाना वाना हो लेकिन दिला धाबारा आई हराही रही के फर्क नयन वन हो नाही कुछ हृदय में कष्ट हो सोचत हूं कि अब का कह सकेला काहे इतना उदासी हो जहाज पर सवारी हो गई उड़ान भर दहला पहुंचलन है हवाई अड्डे पर फौजी गाड़ी फिर लगल हो बारी बारी से उतर के जवान प्रवेश करे लगल तो जहाज से उतर के कैले पशु कर सवारी नाही कुछ आए है पहाड़ी खाई झाड़ी के रास्ते फौजी गाड़ी जाने लगी मालिक की निगाहें मुड़ गई बाबू एक चोटी पर चढ़ाई हुई और स्टेयरिंग फेल हो गई फौजी गाड़ी की और वही जो है
गाड़ी लुढ़क पड़ी। बताया गया कि कई सौ फीट नीचे खाई में चली गई। जितने भी जवान हैं कुछ तो मौके पर ही अपने प्राण को छोड़ दिया ऑन स्पॉट, कुछ जवान घायल हुए, वही में एक जवान और घायल हुए। तुरंत जो है फोन लगा दिया यूनिट के, वो तीन चार रोज पहले अधिकारियों की टोली पहुंची थी। संजोग से मेजर साहब के यहाँ फोन लगा, लगना नहीं चाहिए था लेकिन मालिक की मर्जी फोन लगा है। हेलो कौन? हाँ सर, फला एलओसी के करीब हम लोगों की गाड़ी खाई में पलट चुकी है। इतना ही कहने के बाद जवान की जबान बंद हो गई। तैयारी करके लोग यूनिट से, सुबह का वक्त था, ध्वजारोहण हुआ और वहीं से जो है अधिकारियों की टोली मूव हुई, चल देती है उस पहाड़ी चोटी के ओर जहां जवान की गाड़ी गिरी हुई है। पहुंचलन है, लोग देखे लगलन बहुत नीचे गाड़ी है, रस्से के सहारे लोग पहुंचे हैं नीचे। आज ऐसे देखलन कि एक जवान की आंख खुली है, आंखों से आंसू चल रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सका। बाबू देखते ही देखते आंखें बंद हुई। जब मेजर साहब की निगाह पहुंची है उस जवान के ऊपर, कलेजे पर हाथ रख लिए कि वाह, ये तो वही जवान है जिससे हमने पूरे अपने बातों को रख दिया था, वादा किया था। कहीं ऐसा न हो कि जवान अपने दुल्हनिया से हमार बतिया न बतूले हुई। हमार एकर तो दुनिया उजड़ गई लेकिन हमरो जोन बा छाया का जिंदगी अधूरी हो जाए। तुरंत जो है और लोगों से कहे अधिकारियों से कि जवान के साथ मैं जाऊंगा। बारी बारी से लोग जाने लगे, जो घायल है एमएस की ओर भेजे जा रहे हैं, जेकर डेथ बॉडी बा यूनिट में जात बा। यूनिट जब पहुंच रहे लोग वहीं से जवान के लाश के लेके फौजी जवान बिहार प्रांत के ओर चलत हूं। साथ में के हो? चार पांच फौजी जवान हूं, एक मेजर साहब भी है, लेकर के लोग चल दिए। एहर जोम्मा भाई के रास्ते में फोन हो गई यूनिट में कमांडेंट साहब, क्या कैसी ऐसी हालात है सर, विकास को छुट्टी दे दिया जाए। तुरंत जो है बुलवाया गया, जाइए, कब आना है सर, जाओ, बुला लिया जाएगा। भाई बड़ा उदास होके चलन हूं, चलना उदास होके बाबू ट्रेन पकड़ो सुबह के वक्त, धीरे धीरे शाम जब भैल तब ले घरे आ गए। भौजाई देखली कहली तीन चार रोज से हमारे आदमी से भी बात भईल बा, ए बाबू काहे अब चलीला? कहला कि भौजी छह महीना के बाद छुट्टी मिली है, अब आ गईला। कहलन यह नहीं जान पुनी साहब, कहलन कि जाओ चले ली है। कल हमरो के दो चार दिन से उदास लगत रहा ले बाबू, ठीक बा, कबो कबो खुशी में गम भी शामिल हो जाला, गौर करेंगे। जैसे ही बात सुधला है कहलन कि अब होका सकेला, पहुंच गेलन बेतिया थाने लोग। रात में ही फोन हुआ, बिहार प्रांत वाले पुलिस भी भाई है। सुबह का वक्त हुआ, सूर्य उदय होने लगा। दुल्हन ने अर्जुन बा बड़ा प्यार से चाय बना के अपने देवर के दहली कहली, बाबू इतना उदास कबो नहीं लगत रह, आखिर कारण का हो? पास पड़ोस से मिलत हूँ, आज तब तक सुबह गाड़ी पहुंचल बा। कौन गाड़ी? बिहार प्रांत के पुलिस वाले भाई लोग की गाड़ी आगे आगे है, पीछे से फौजी गाड़ी बा। एक लड़का 9 वर्ष के बाद उतर के साहब कलन के, बेटा देखो घर में माया है क्या? माया का नाम सुनो सुलरिकवा भागत दौड़त गल करस के, चाची लगत हो कि चचा आ गेल, फौजी लोग भी हुन संगवा। सुबह का वक्त हो, बड़ा ही मगन हो के दुख तो शरीर में जरूर रह लेकिन समझ नहीं पावत बा। ई देखा बतावे ले आत्मा कोनो दुर्घटना होला लेकिन समझ नहीं पावत बा, बड़ा दुखी हो। चाय पानी होत बा देवर के, कलन के बाबू आज बड़ा उदास लगत हो, जैसे उ लड़िकवा पहुंचल हो तो माया करत का रहा लिया। एक लाइन गीत लगल मास्टर, देखा यो विराह में गीत न पुराण भइल न होई कि पिया परदेश गइल, पिया परदेश गइल तार लागू तो पिया में, सुबह को वक्त थे खबर मिले माया के,
कि पवत खबरिया। देखे परम आदरणीय हमारे बड़े भैया महेंद्र यादव जी बुढ़पुरा की धरती से आपकी ओर से आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सब भैया बाबू लोग के प्रणाम पहुंचे। सुबह कवक थो लड़िकवा आए के कहलस कि ये चाची लगत हो कि चच्चा भी आएगी। हर श्रृंगार कैके थे काम करत रहल कि पावत खबरिया, यह पावत खबरिया छतिया फाट गई माया के। कई के सिनारी कि कई के सिनारी पेनत रहली से मुरावा। जैसे लड़िकवा कहलस हर श्रृंगार कैके सिंहोरा उठौले हो जैसे लगावत हो मांग के हो। लड़िकवा आए के कहलस कि ये चाची बहरवा लगत हो चच्चा आ गई है। सिंहोरवा लेहल हथवा में आई हो जब देखलस फौजी लोग के गौर करेंगे। जैसे ही खबर पौलस सिंहोरवा लेहल मारे खुशी में बहरा आ गई। मेजर साहब कहल तगवा आ गए जब हाथ में सिंहोरा देखले हुआ आवाक हो गए महसूस ही होत हो कि हमारे पैर के नीचे धरती माई नाही है खिसकत है। कालन के माया ए बिटिया का ले ले हो कालस के बाबू ई है ई हमार जिंदगी के जोन बा सब कुछ हो। कह के गैलन की आई सावन में सुहाग रात मनी लेकिन अल नाही आईबो कैलन तो बड़ी जमात के साथ आयल हूं। हुए कहा मेजर साहब के आंख में आंसू आवत हो समेटत हूं। कालन के बेटा रख दा तू के जेके तू सोचत हो कि होगा हुआ जरूर लेकिन कैसे होगा। उ देश के सेवा में विलीन हो गई वह अमर हुआ जवान इतिहास के पन्नों में स्वर अक्षरों में नाम होगा। जब इतनी बतिया सुनलस कि ना ही होगा आए हो बाबू कह के छाती पीट के गिर गई हो सिन्होरा छूट गए हो। मेजर साहब को पैरवा पकड़ के रोवत हो कहलस के साहब आप हमारे धर्म के पिता हुआ बहुत बड़ा उपकार हो गई हमार बहुत बड़ा उपकार कैला के वो हमार देवर बेटा रूपी भर्ती हो गई लन। लेकिन ए थे बहुत बड़ा यू काम है यू आप ही के करे के पड़ी ना ही हुआ। तब तक धीरे धीरे संकेत भई लोग लेके आ गए लन ताबूत सामने। जब देख ले हो ते थे बात करस के बाबूजी ए थे काम करा का कहलस कहलस कि बाबू यह हमारे मंगिया के हमारे मंगिया के अरे से नुरा दोई दा बाबूजी हमारे साहब आवाज हो गए की का कहत हो बिटिया कलश काहे कहते सूली जाए बतिया
कि ना बातें घर सासु ससुरवा, ना बातें घर सासु ससुरवा, ये देवरिया बही कुमार। हमारा आइले से पहले माई बाबू का छाया ये लोग से दुनिया से हट गए ले बाबू। उहे नहीं भैल हमारे भाग में के वो माई बाबू के छोड़ के बिटिया जाली दूसरा घरे सास ससुर पावल दूसरा माई और बाबू का दर्जा। उहो नहीं मिलल आई देवर जो नमार हुआ इन्हों का शादी नहीं कही नहीं कि देवरंगिया रही तो एक लोटा पानी लेके मंगिया धोती। हाय हाय वज्र सा हो गया कलेजा कर्म बस बेटा अखबारी में भर ले लो मेजर साहब का थोड़े बिटिया। अब हम का कह सकीला कंस नहीं वो आपके काम करे के पड़ी। ना बातें घर सास ससुरवा देवर अबही कुआ हाथ से कंगन तोड़ के फेंका जाना स्वर होश मार हमारे मन अरे आँखों से भरीता तुहरे पाय अधिकार हमारे मन याते हैं घर सास ससुरवा देवर वही कुआर हाथ से कंगन तोड़ के फेंका जारा सुर हो सिंगार हमरे मंगिया के अब कोई बचल नहीं भाई हो कमो आपे के संपन्न करे के पड़ी। चारों तरफ मेजर साहब देखत हुन संकेत भेल धीरे धीरे ताबूत लोग लेके आ गए लेन है। ताबूत के ऊपर आए हो राम कह के गिर पड़े ले बाबू। एक लाइन और बताओ थे फौजी भैया लोग के सामने कैसे बतौलस। ए साहेब एक बेर देख लेती खोला ताबू कि एक बेर देख लेती अरे इन कर सुरतिया एक बेर देख लेती इन कर सुरतिया औरतिया कहला हाथ जोड़िए विधना निकाली देता मालिक के ओर उलाना देते हे मालिक विधना निकाली देता यही तनवा से जनवा अरे पिया के संग ही हम हो जाई साहेब कबल आई हमके महुआतिया यौरतिया कहला हाथ जोड़िए कहला सब के करा खाती हम रहब ये साहेब समझाओ तुम के बिटिया देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा भारत सरकार की ओर से कुछ रुपयों का अनुदान होगा जवान की मूर्ति लगेगी तिराहे पर एक पार्क होगा पेट्रोल पंप होगा। कलस केस आए इकुल तो बाद में न बनने लेकिन एगो अर्धांगनी के जो अंग होला आधा अब खत्म हो गई वो मूर्ति से न गुजारा हुई न रुपया पैसा से अब का समझेबा सबके बात का जवाब एक स्वर में बा कल के नहीं रे बिटिया घर के दिखा दा एक बार बस अब हमके कुछ नहीं चाहिए। लाश खुलल बा है राम कह के गिरल हो बाबू अर्थी लोग सजावत हुए। अब मेजर साहब एगो अपन बात अब सोचे लगलन है कि यही में हम अपन भी बात पेश कर दें हो सकेला जवान अपने औरत से न बतौले हो का बताओ तुम विकास के समझा दवा ना टूटना आय प्रकाश के करी है बुराई रा दवा ना टूटना
जाना विकास के समझादा वादा टूटना, अब प्रकाश का करी है पूरा इरादा वादा टूटना। बात समझ गई मेजर साहब, एक के लाइन में बात बता दल बताओ थू माया थल का कि माया के अरमान जिगर का अरे बोल पड़ल बा भाई हो पति बचन जब खा ले जाई कहवा मुंह दिखाई हो विकास के समझाया पर सादा वादा टूटी ना अब भले उम्र भर पैसारी सादा वादा टूटी ना। आंख से आंसू जरूर चलत हो मेजर साहब को बात समझ ली कहलस के साहब जवन कह के गलू हमारे दिल में हो हम ओके मिटाई नही कौन ऐसा कसूर कैली के वो सुहागिन होते हुए भी अभागिन के जिंदगी हम बितावत है। दूसरी गलती करो तो मालिक हमके माफ नहीं करी हन। आज से अपने दिमाग में नोट कैला बाबू वही से लोग अर्थी उठाओ थोन चले लगलन आधा में दुलाइन बतावल गल मास्टर कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाश दूर होई हो गईल अरे चनवा के नजरिया में बदलिया भरल सनिया हाई रोवले नगरिया बाबू अंतिम सलामी जनम जसरा कवि अरे तिरंगा में चमकतिबा प्रकाश वाली लसिया दादा झंडे तिरंगे में लाश है लेकर के लोग और भी जा रहे हैं छोटका भाई पीछे पीछे चलत उनके विकास तब लगाई हो हलन लोग पहुंचे शमशान घाट पर छोटा भाई मुखग्नि दिया है माया है वो फोटो टंगले रहलो अपने फौजी स्वामी के वही के देख देख के घुटे थे कि ये मालिक अब वो दिन नहीं मिली। मेजर साहब के ओर ताके लगल अंतिष्टि बीत गई धीरे धीरे दो महीना का दिन बीतल एक दिन बैठ के सोचा लगल कि ये मालिक हमारा पर नाराज भईला सुहागिन होते हुए भी अभागिन हो गई तो काहे नहीं ऐसा करी कि जब हमारी है देवर चाहे बेटा हो इन्हों को शादी करके देवरानी चाहे वो बहू उतार लें घर में नहीं तो हमके कहीं जगह नहीं मिली। दो महीना के बाद एक दिन मेजर साहब के फोन लगूलस प्रणाम करके कहलस बाबूजी को काम करा कैसे कहलस कि कालस के बाबूजी आई शादी का दिन रख दे विकास का शादी आपके बिटिया छाया से हो जाओ। ए भैया बारात सजा के लेके पहुंचल भाई माई पिता का फर्ज पूरा करते हुए शादी संपन्न करूलस मेजर साहब के लड़की छाया से लेके आई हो वापस। जैसे ही सुहाग कक्ष में रात के वक्त दोनों पर आनी अपन भैलन है पहुंचा है सुहाग कक्ष में वो छोटा भाई विकास दुलहिन छाया आरती उतारत हो लेकिन जैसे आरती उतार के आई इन्हें बैठावत हो जैसे कलाई पकड़त हो हाथ जोड़ के खड़ा हो गई भर भर आंसू चलत हो पूछत हो विकास के माया ही का माया का सुनलस जौन रूम में बाप बगल वाला रूम में माया हो ए रूम में छाया और विकास हो
छाया ये है सुनलस की बगल वाले रूम से हमार बहिन रोवत यही बजे रहल की यह दिन रहल मालिक अपने पति से मांग मंगली माता रानी तो पूरा कर दिली लेकिन हम अभागिन हो के दुनिया से चल जाई। यह है सोच के रोत रोत फक के रोवे लगल। जब चीख सुनलस हो बगल से दुलहिन छाया देवरानी तुरंत हाथ जोड़ के दूर गई कलस के ना स्वामी हमार और आप कभी नारी पुरुष के धर्म का पालन नहीं हुई कलन हम का कह सकेला में लड़किया कलस मेजर साहब का कि नहीं आप तो कह नहीं सकेला लेकिन अगर मालिक मंजूर करिए तो जरूर हमें को काम करो का मतलब कुछ कह सकेला हम करब सुबह के वक्त भइल त कैलस का छाया कि छाया फोन कई के मेजर साहब के बोलवले कल रतिया में रोवत रहली बहिन के बतावले मेजर साहब के फोन लगा देलस बिटिया छाया बाबू टाइम लगा के आ जाता दिन कैसो बीतल शाम बीतल सुबह का वक्त होते होते मेजर साहब अपने बिटिया छाया के घरे पहुंचल। एक तरफ मैवा बैसल बालस ने वस्त्र में बाल बिखरा हुआ है दूसरे तरफ वो नई नवेली गहने के दुल्हन गई रहल मेजर साहब के लड़की छाया भी एक तरफ बैठल बा जैसे मेजर साहब देखलन दोनों बिटियन के ओर जब एक निगाह भइल हो दौड़ के मैवा जा के पैरवा छान लेलस कलस की बाबू बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए तब ले छाया पहुंच के कलस के बाबू हमके ये चाहिए का तुहे चाहे बिटिया बतावा का तुहे चाहिए। लास्ट लाइन में यह बतावल गई कलस के नाही अगर हमार जिंदगी चाहत हुआ तो हमारे वो बड़ भाई हुए अब दिखाइए बाहर दुनिया छावा अपने बाबू के मेजर साहब से कहल कि हमारी जिंदगी चाहत हुआ तो थे काम करेंगे परी बाबू कल क्या करना है बताओ सब कुछ कर देंगे बताओ थे का कि भैया का शादी बाबू कैदा बात मान के अरे मारा बहिनिया के बेटी अपन जान के बाबू छाया के वो बड़ भाई रहलन मोहन मोहन के ओर इशारा कैलस के बाबू जब तुहार धर्म के बेटी है हम बहू बेटी है तो बहु बेटी समान माने वाला खाती के हो अब तो दुनिया में बड़ा किसिम किसिम के लोग हूँ छोड़ दा कलस बस यह मांग हो कलन ठीक है तबले मैवा पकड़ ले जाए के छाया के कलस का रे छाया ई का कह देलू
जहां दुनिया के लोग जनी है कि हम शहीद के विधवा है। साहब करण के पास बेटा रुक जाओ, आगे कुछ कहना है कोई इस बात को रोक दो। गलत के बाबूजी, अगर ये लोग की जिंदगी हमारे जिंदगी पर हो तो जितना भी हमारे रुपया पैसा आवे वाला बा सरकार की ओर से, यह है हमारा आग्रह बा कि हमारे और विधवा बहन लोग के रुपया पैसा जो भी सरकार का अनुदान हो हमारे उसे दे दिया जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं। बतावल गिल कि जिस दिन पूर्ण रूप से धर्म ईमान इस वसुंधरा से खत्म होगा उसी दिन वसुंधरा विध्वंस हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, मोहन से शादी माया के कैलन, दोनों अपन जिंदगी बितावे थे। लास्ट लाइन बतावल गई, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल की माया, विजयी पाल चंद कोई समय से पार न पाए।